क्या आप भी उन यूजर्स में से हैं जिनका स्मार्टफोन बहुत जल्दी जल्दी हीट करने लगता है या फिर ओवर हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा आता है? तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बता सकती हूँ जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके फ़ोन में पहले से काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा और आपका फ़ोन ज़्यादा ओवर हीट नहीं करेगा। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं ना जिन पर हम ध्यान नहीं देते और जिसकी वजह से हमारे फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवर हीट करने लगते हैं या फिर बहुत लॉन्ग टर्म में काम नहीं करते हैं, बैटरी ख़राब हो जाती है, इनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो ये बहुत बेसिक टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आप स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो उस टाइम के लिए अपने स्मार्टफोन पे जो लगा कवर है उसको रिमूव कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्मार्टफोन जब चार्ज होता है तो बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगती है और आपके फ़ोन से हीट निकलती है, लेकिन कवर लगने होने की वजह से वो जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती है, इसकी वजह से फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपके फ़ोन को थोड़ी एयर मिले और आपका जो फ़ोन है वो ओवरहीट ना करे। तो हमेशा ध्यान रखें कि कवर निकाल कर ही अपने फ़ोन को चार्ज करें। इसके बाद जो दूसरी टिप है वो है बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ऐप्स यूज़ करने लगते हैं और बैकग्राउंड में ज़्यादा ऐप्स यूज़ होने की वजह से फ़ोन की बैटरी पर और फ़ोन के सॉफ्टवेयर पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है। तो एक टाइम पे मल्टीपल ऐप्स का यूज़ ना करें। ध्यान रखें कि अगर आपको कोई ऐसे ऐप्स हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और बैकग्राउंड में रन हो रहा है तो उन्हें टाइम से रिमूव कर दें। उसके बाद आप देखेंगे जो फ़ोन हीट हो रहा है ना उसमें फ़र्क आएगा और आपका फ़ोन जो है वो कूल डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है सनलाइट। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने फ़ोन को बिना कवर के, बिना किसी प्रोटेक्शन के डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करते हैं या सनलाइट में रख देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत से फ़ोन मेटल के बने होते हैं, मेटल फ्रेमिंग होती है, इसकी वजह से जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो फ़ोन बहुत जल्दी हीट होने लगता है और इससे आपके फ़ोन की जो लाइफ है वो ख़राब हो सकती है, बैटरी डैमेज हो सकती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोजर ना दें फ़ोन को, हमेशा फ़ोन को कवर्ड करके रखें। आपके आउटडोर में आपको कहीं जाना है तो हमेशा फ़ोन को पॉकेट में, बैग में कैरी करें। इसके अलावा जो फोर्थ टिप है वो है हैवी एक्सेसिव यूसेज। जब आप एक फ़ोन का लगातार 3 से 4, 5 से 6 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं तो लगातार यूसेज होने की वजह से भी आपका फ़ोन ओवरहीट करने लगता है। तो अपने फ़ोन को यूज़ करते टाइम छोटे छोटे ब्रेक्स लें और अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवरहीट कर रहा है यूज़ करते टाइम तो उसे थोड़ी देर के लिए रख दें या फिर उसको स्विच ऑफ कर दें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। कई बार ये भी होता है कि लॉन्ग टाइम तक ना जब आप गेमिंग करते हैं, हैवी ग्राफिक्स होते हैं, उसकी वजह से बैटरी बहुत कंज्यूम होती है और लोड भी बहुत ज़्यादा आता है फ़ोन पर, जिसकी वजह से भी फ़ोन बहुत ओवरहीट करता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि गैप्स में या थोड़ा ब्रेक देकर फ़ोन चलाएं। तो ये जो मैंने टिप्स आपको बताई है ना, ये जो 4 यूज़फुल टिप्स हैं, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं करेगा और फ़ोन की जो लाइफ है वो भी अच्छे से काम करेगी और फ़ोन की बैटरी भी सिक्योर्ड रहेगी। अगर इन 4 प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के बाद भी आपका फ़ोन ओवरहीट कर रहा है तो उसके बाद फिर आपको सर्विस सेंटर पर जाकर अपने फ़ोन को दिखाना होगा। तो उन लोगों के साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर करें जो अक्सर ही कंप्लेन करते हैं कि उनका फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवरहीटिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है ये वीडियो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और इसके अलावा कोई यूज़फुल टिप आपके पास भी है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Thank you.